हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एफके मोटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं हुंडई i20 की इंजन टाइमिंग। ये ब्लैक मार्क जो दिख रहा है चैन के ऊपर, वो डॉट के ऊपर होना चाहिए कैम शॉप के अंदर, और ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए दोनों कट। और इस साइड की भी देख सकते हो आप, ब्लैक मार्क जो है तो ब्लैक मार्क डॉट के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। दोनों ही साइड में जो है तो डॉट दिया हुआ है कैम के ऊपर, उसके ऊपर मिलाना है। और नीचे की साइड देख सकते हो आप, क्रैंक की जो की है उसके एक दांत एग्जैक्ट नीचे जो है तो चैन के ऊपर ब्लैक मार्क है, उसके ऊपर लगाना है। और क्रैंक के ऊपर डाउट है डॉट, तो डॉट के ऊपर इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद में आपको टेस्टनर लगाना है, टाइमिंग टेस्टनर जो है हाइड्रोलिक वाला। हाइड्रोलिक टेस्टनर लगाने के बाद वापस से जो है तो एक बार टाइमिंग को चेक कर लेना है, ऊपर कैम शॉप की और नीचे की क्रैंक की। और उसके बाद ही जो है तो इसको लॉक निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने नीचे बिठा दिया है, ये ऊपर चेक कर लेंगे हम टाइमिंग बिल्कुल सही है या नहीं। तो ये देख सकते हो ऊपर की टाइमिंग बिल्कुल जो है तो सही लगी हुई है, बराबर पॉइंट के ऊपर मार्क लगे हुए है। तो उसके बाद नीचे की एक बार चेक कर लेना है। ऑयल पम्प की इसके अंदर कोई टाइमिंग वगैरह नहीं आती है, सिर्फ क्रैंक की और कैम की टाइमिंग आती है। नीचे की टाइमिंग भी सही है बिल्कुल। उसके बाद जो है तो इस तरीके का लॉक जो है तो निकाल लेना है हाइड्रोलिक टेस्टनर का। ये हमारी हो गई कंप्लीट टाइमिंग। ऊपर कैम के दो डॉट और नीचे क्रैंक का एक डॉट, ये इसकी टाइमिंग। और पिस्टन जो है तो टॉप के ऊपर रहेगा, टॉप के ऊपर एक नंबर और चार नंबर टॉप पे रहेंगे, और दो नंबर और तीन नंबर नीचे की तरफ रहेंगे। ये इसकी कंप्लीट टाइमिंग है। ये ऊपर का चैन गार्ड लगा देंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें।